हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और रुक नहीं रहा है, आपकी स्किन बहुत लूज हो चुकी है। तो बस ये वाली वीडियो तो आप ही के लिए। ये जो आप मेरे हाथ में चूर्ण देख रहे हो ना, ये जो पाउडर है, ये आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा, आपके हेयर फॉल को रोक देगा। आपकी स्किन बहुत लूज हो चुकी है, आपका चेहरा बहुत डल हो चुका है। 30, जब 30 की उम्र आती है तब तक हमारी स्किन, हमारे बाल बहुत सही रहते हैं, बहुत ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे 30 की उम्र पार करते करते आपके बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है, आपके रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसी के लिए मैं आपके लिए आज जो पाउडर लेकर आई हूँ ना, आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। आप इसका यूज़ करके देखना, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो इसका प्रिपरेशन हमें करना कैसे है, इस चलिए तो आप इसका प्रिपरेशन करते हैं। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और रुक नहीं रहा है, आपकी स्किन बहुत लूज हो चुकी है। तो बस ये वाली वीडियो तो आप ही के लिए। ये जो आप मेरे हाथ में चूर्ण देख रहे हो ना, ये जो पाउडर है, ये आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा, आपके हेयर फॉल को रोक देगा। आपकी स्किन बहुत लूज हो चुकी है, आपका चेहरा बहुत डल हो चुका है। 30, ये होता है कि जब 30 की उम्र आती है तब तक हमारी स्किन, हमारे बाल बहुत सही रहते हैं, बहुत ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे 30 की उम्र पार करते करते आपके बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है, आपके रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसी के लिए मैं आपके लिए आज जो पाउडर लेकर आई हूँ ना, आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। आप इसका यूज़ करके देखना, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो इसका प्रिपरेशन हमें करना कैसे है, इस चलिए तो आप इसका प्रिपरेशन कर। आपको लेनी है एक लोहे की कढ़ाई। कढ़ाई सीड्स में ओमेगा 3 फाइबर प्रोटीन इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है, इतना होता है, आपके बालों का झड़ना रोक सकता है, आपकी स्किन, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, आपका वेट लॉस करता है, आपके चेहरे की स्किन पे जो झुर्रियां आ चुकी हैं आपके फाइन लाइन। तो एक कटोरी मैं यहाँ ले रही हूँ मेथी दाना। अब बालों को हेल्दी रखने में ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, आपके वजन को तो साथ ही कम करता है। अगर आप इसका हेयर में लगाते हो, फेस पे लगाते हो, तो आपको कितने अच्छे रिजल्ट, लेकिन आप जब इसको खाते हो तो उससे ज्यादा डबल रिजल्ट आपके लिए है कलौंजी। जी हाँ, हम यहाँ कलौंजी ले रहे हैं, काले तिल नहीं ले रहे हैं। काले तिल अलग होते हैं, कलौंजी अलग होती है। कलौंजी में एंटी ऑक्सीडेंट फाइबर होता है, आपके बालों को की रीग्रोथ करने में आपकी मदद करता है, आपके बालों का झड़ना रोकता है, साथ ही आपका वजन तो कम करता ही है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ मैं चौथी चीज ले रही हूँ, अलसी के बीज। यहाँ आपको सारी चीज बराबर मात्रा में आपको लेनी है, जितनी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में जितनी दिखा रही हूँ आपको वैसे ही लेनी है। वो क्या करना है, हमें भूनना नहीं है, ड्राई रोस्ट नहीं करना है, ओनली इसका हमें सिर्फ इसका मॉइस्चर निकालना है इन चीजों का। जब ये सारा मॉइस्चर निकल जाए, बहुत 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे चलाना है और मॉइस्चर ही निकालना है, बस इसके ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद इसको चलाने के बाद आपको उसको साइड में रखने के बाद ठंडा कर दें। जैसे ये ठंडा हो जाए, आपको मिक्सी के ग्राइंडर में इसको पीसना है और पीस के जैसे इसका महीन फाइन पाउडर बनाना है, आपको पाउडर फॉर्म में इसको ले आना है। पाउडर जैसे ही आपका बन जाए तो आपको उसको एयरटाइट डब्बे में भर के रख देना है। अब इसको खाना कैसे है, किसी भी टाइम आपको, जब टाइम मिले आपको, दिन में, रात में, दोपहर में, तो आप इसको 1 चम्मच आपको उसको लेना है और गर्म पानी के साथ, आपको उसको गर्म पानी के साथ 1 गिलास पूरा भर के आपको गर्म पानी लेना है, इसको खाना है। मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, तो 1 गिलास गर्म पानी के साथ आप इसको खा लेना है। आप देखोगे 10 दिन के अंदर आपके चेहरे की चमक, आपके बाल, आपका झड़ना, आपकी ओवरऑल हेल्थ इतनी अच्छी होने वाली है। तो अगर अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।